खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। कोरोना महामारी में समाज सेवी संस्थाएं लोगों तक घर घर भोजन पहुंचाने का काम कर रही हैं। इसी के अंतर्गत बड़नगर SDM एकता जायसवाल के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही जहां जहां भोजन की व्यवस्था या भोजन बनाने का कार्य चल रहा है उन अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। साथ ही देखा गया कि लोगों के लिए जो भोजन बना रहे हैं वहाँ भोजन बनाने का कार्य और भोजन की गुणवत्ता किस प्रकार चल रही है, क्योंकि कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। साथ ही भोजन बनाने वाले को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत भी SDM द्वारा दी गई और कोरोना वायरस से पूरी सावधानी बरतते हुए भोजन सामग्री पहुंचाने वाले को समझाइश प्रशासन द्वारा दी गई और भोजन व्यवस्था देखी गई। बड़नगर में गीता भवन, परामर्श मानव सेवा संस्था और बुद्धेश्वर मंदिर समिति और अन्य जगहों पर भी भोजन बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसे प्रशासन द्वारा आज देखा गया जहां सावधानी के साथ काम किया जा रहा है। नगर में अलग अलग संस्थाओं द्वारा ऐसी लगभग 4 संस्थाएं हैं जिसके द्वारा भोजन पैकेट वितरण किया जा रहा है। हमारी जानकारी में ये बात है कि वो दोनों टाइम का भोजन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रशासन की मदद कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम सब प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा उन भोजन संस्थाओं का निरीक्षण किया गया जहाँ हमको लगा कि कोई चीज़ की व्यवस्थाओं को ठीक करना है। उसके लिए हमने बोला मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। भोजन शाला में जो लोग हैं उनको हम पास बना के देंगे और इन लोगों का टाइम भी हमने निर्धारित कर दिया है कि ये भोजन 12 से 2 ही बांट पाएंगे। भोजन बांटने वाली संस्थाएं पास लेकर के उनके सदस्य इधर उधर अन्यथा ना घूमें, ये बात भी हमने उनके संचालकों से कर दी। मंडल में प्रशासकीय व्यवस्था के तहत हमने यहाँ पर जो कि दानदाताओं के माध्यम से जो राशन आया है उसका वितरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र खोला है। इसके तहत हमने फ़ोन की सुविधा के माध्यम से कि लोग हमें फ़ोन लगाएंगे, फ़ोन के बाद में हम व्यक्ति को यहाँ बुलाते हैं, व्यक्ति यहाँ आता है, उसके बाद में उसका एक छोटा सा वेरिफिकेशन होता है, आधार कार्ड नंबर या फिर और 2-4 दस्तावेज उसके देखे जाते हैं और उसके बाद में जो उसका राशन जो दिया जाता है। मैं सर रोज़ करीबन कितने लोगों को राशन दिया जा रहा है? लगभग 200 से 250 लोगों को रोज़ हम यहाँ पर राशन दे रहे हैं। इसके अलावा भी जहाँ से हमें फ़ोन आते हैं वो व्यक्ति अगर नहीं आ पाता है तो हम तुरंत उसके पास में राशन की व्यवस्था करवाते हैं। और जैसे अभी आज ही फतेहपुर से लगभग 60 मजदूर चलकर आए, पैदल चलकर आए, उनके लिए हमने व्यवस्था की है और उनको हम उनके घर पहुँचाने की भी व्यवस्था की। ये सारा जो काम है। बड़नगर से नितिन पंड्या की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।